हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर टू। बुक का चैप्टर वन हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और चैप्टर टू में आज हम बात करेंगे आल्टैक्स प्रॉब्लम। आल्टैक्स प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती है, किस तरह से स्ट्रेस होता है, किन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस होता है और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सब सेंटेंस हम जर्मन में देखेंगे कैसे फ्रेम करते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये चैप्टर टू है, B1 लेवल के वीडियो है, रिकॉर्डेड B1 लेवल के हमने सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसी सीरीज़ में ये चैप्टर टू है। चैप्टर वन का वीडियो दो पार्ट में बन चुका है ऑलरेडी, आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आल्टैक्स प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि वोर यूवर एर्गन जीजिश। जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें गुस्सा आता है, ठीक है। तो गुस्से के लिए जो वो कैप है वो हम देखते हैं क्या है, जिश एर्गन, जिश एर्गन। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, वोर यूवर एर्गन जीजिश, वोर यूवर एर्गन जीजिश, किस चीज को लेकर आपको गुस्सा आता है, ठीक है। वोर यूवर एर्गन जीजिश। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वन हटन जी दस लेट्स टे माल स्ट्रेस, लास्ट टाइम आपको स्ट्रेस कब हुआ था। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, गुस्सा भी और स्ट्रेस भी। ऑब्वियसली जब गुस्सा आएगा तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नेगेटिविटी आती है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वोर यूवर एर्गन जीजिश, इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें स्ट्रक्चर आपका क्या है, जिश एर्गन प्लस यूवर, ठीक है। जिश एर्गन प्लस यूवर, ये स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे। सपोज इश एर्गरे मिश यूबर स्टाओ, ठीक है, किस चीज़ पर गुस्सा होते हैं, तो इश एर्गरे मिश स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इश एर्गरे मिश, ठीक है। ये फिर यहाँ पे यूबर के बाद आपको नाउन लिखना है, इश एर्गरे मिश यूबर स्टाओ, ठीक है, जो डेली ट्रैफिक मिलता है उसके ऊपर गुस्सा हुआ। और इश एर्गरे मिश यूबर हाउस आरबाइट, हाउस होल्ड वर्क, अपने घर के काम के भी गुस्सा आता है, टू मच वर्क बट देर इज़ वन पर्सन टू डू ऑल दैट थिंग। और इश एर्गरे मिश यूबर डिराइजे, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। इश एर्गरे मिश यूबर डिस्ट्योरुंग, डिस्टर्बेंस जो होती है, डिस्ट्योरुंग डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इश एर्गरे मिश और फिर यूबर के बाद आपको नाउन लिखना है, ठीक है, यूबर के बाद आपको नाउन लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डी हाउस आरबाइट। तो नाउन के साथ ही आपका सेंटेंस बनता है, यूबर डेन स्टाओ, यूबर हाउस आरबाइट, राइज ए स्ट्योरूम डिस्टर्बेंस। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में किस तरह से आपको स्ट्रेस होता है। यूबर डी फ्रेश पेटूंग, आप वर्क पे जा रहे हो, आप क्लास अटेंड करने जा रहे हो, आपको डिले हो जाता है, लेट हो जाते हो आप, तो यूबर डी फ्रेश पेटूंग, बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रेश पेटूंग, ठीक है, डी फ्रेश पेटूंग, इसी के साथ मैं लिख देता हूँ, फ्रेश पेटूंग मतलब डिले, लेट हो जाते हो, तो इसके ऊपर भी आपको गुस्सा आता है। इस एर्गरे मिश यूबर डी फ्रेश पेटूंग, डिले के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है कि आप डिले हो गया, लेट हो गया आप, और आपका जो काम है वो पेंडिंग रह गया है या आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। अब इसी सेंटेंस को लिखने का और भी तरीका होता है, जैसे कि इश एर्गरे मिश, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, इश फिंडे एश स्ट्रेस, आई फाइंड इट स्ट्रेसफुल, इश फिंडे एस स्ट्रेसिस, मेरे को स्ट्रेसफुल लगता है दास, ठीक है, इश फिंडे एस स्ट्रेसिस दास, इश फ्रस्ट्रेटेड हाब, दास इज फ्रस्ट्रेटेड हाब दैट आई हैव डिलेड, कि मैं डिले हो गया हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ बोर्ड को, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हमने देखा, ये तो नाउन के साथ यूज़ करते हैं हम, प्रेपोजिशन के साथ जब होगा तो इश फिंडे एस स्ट्रेसिस, और क्या लिख सकते हो आप, फ्योर मिश स्ट्रेस, मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, फ्योर मिश स्ट्रेस स्ट्रेसिस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है, इश फिंडेस स्ट्रेसिस, फ्योर मिश स्ट्रेस स्ट्रेसिस। और
इट डिस्टर्ब्स मी, इट मेक्स मी नर्वस, एस मार्क्ड मिस नर्वियोस, एस मार्क्ड मिस नर्वियोस, मुझे इससे नर्वसनेस होती है। किससे होती है वो आप आगे लिखोगे, ठीक है। इस एस मार्क्ड मिस नर्वियोस, इस फिंडे एस स्ट्रेसिस, फिर मिस स्ट्रेस स्ट्रेसिस, और एस स्ट्योट मिस इट डिस्टर्ब्स मी, एस स्ट्योटमिश, एस स्ट्योटमिश, आगे वेन इश डिफर्शपेटू हाब, अगर मेरे को डिले होता है, तो ये एस स्ट्योटमिश वेन इश डिफर्शपेटू हाब, ठीक है। एस स्ट्योट मिश इट डिस्टर्ब्स मी इफ़ आई हैव डिले, मेरे को कहीं जाना है और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, डिले हो गया, तो एस स्ट्योट मिश इट डिस्टर्ब्स मी। एस मार्क्ड मिश नर्वियोस, यहाँ भी वैन के साथ, एस मार्क्ड मिश नर्वियोस इट मेक्स मी नर्वस, कब, ठीक है, वैन इश इम स्टाउबिन, अगर मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो वैन है तो वर्ब लास्ट में जाएगा, यहाँ भी वैन है तो वर्ब लास्ट में अब, और यहाँ बिन। सो एस मार्क्ड मिस नर्वियोस इट मेक्स मी नर्वस व्हेन इश इम स्टाउबिन, जब मैं स्टाउ में ट्रैफिक में होता हूँ तो इट मेक्स मी नर्वस, इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता है। तो हमने देखा किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस तरह से आप स्ट्रेसफुल फील करते हो, अलग अलग कंडीशंस होती है, तो बुक में इस तरह से दिया हुआ है। सेकेंड चैप्टर हम कर रहे हैं बुक का, तो इस चैप्टर से आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें और भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी बुक में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो इसी सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इम आल्टाक, स्ट्रेस इम आल्टाक, ये हमारा चैप्टर है स्ट्रेस आल्टाक्स प्रॉब्लम। सो ये क्या है, दीज आर आल्टाक्स प्रॉब्लम, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है हमारी, एवरी डे लाइफ की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक में रहना, डिले हो जाना काम, ठीक है, कोई और पैनिक आ जाना, सिचुएशन आना पैनिक, ठीक है, स्ट्रेस आना, फाइट होना, स्ट्राइट, आजकल रोड रेस का केस होता है इंडिया में, काफ़ी पॉपुलर है इस तरह से रोड रेस, आप ट्रैफिक में जा रहे हो, हिट हो गया जरा सा तो स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आल्टाक्स प्रॉब्लम है। हाउस आर्बाइट को लेकर हाउस आल्टाक्स प्रॉब्लम होती है। किड्स स्टूडेंट्स के ऊपर प्रूफुंग स्ट्रेस होता है, प्रूफुंग टेस्ट का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, ठीक है, हाउस ऑफ गाबा का स्ट्रेस होता है, तो ये सब आल्टाक्स प्रॉब्लम है। अगर आप जॉब पे हो तो आपके जॉब का वर्क प्रेशर होता है, तो दीज आर ऑल स्ट्रेस आल्टाक्स प्रॉब्लम, तो हम आल्टाक्स प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर्स कि आप कैसे बनाओगे सेंटेंसेस को, ठीक है। एस स्ट्योट मिश वेन इस्ट फ्रेश पेटू हाब, एस मार्क्ड मिश नर्वियोस, फिर मिश स्ट्रेस स्ट्रेसिस, इस फिंडे एस स्ट्रेसिस, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। अब वास माखन जी, वास माखन जी, वास माखन जी वेन जी स्ट्रेस हाबन। अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि आप क्या करोगे जब आपको स्ट्रेस होगा, तो जब स्ट्रेस होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो क्या करेंगे जब स्ट्रेस होगा, तो हम किसी फ्रेंड के साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वास माखन जी वेन जी स्ट्रेस हाबन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वेन के साथ, वास माखन जी वेन जी स्ट्रेस हाबन, व्हाट डू यू डू इफ यू हैव स्ट्रेस, तो आप क्या करोगे, इस रेडे मिट फ्रॉइंड, इस रेडे या इस स्प्रेख मिट मिट माइनम फ्रॉइंड, मिट माइनम फ्रॉइंड दारिवर, ठीक है, तो आई स्पीक विद माई फ्रेंड दारिवर अबाउट दैट, स्प्रेख मिट माइनम फ्रॉइंड दारिवर, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। वेनिश स्ट्रेस हाब, एंड में वेन इज स्ट्रेस हाब, इफ आई हैव स्ट्रेस इस रेड मिट माइनम फ्रॉइंड द रिवर, ठीक है, और इस जे फिल्म, कुछ लोग होते जो फिल्म देखना पसंद करते हैं, इस जे फिल्म वेन इज स्ट्रेस हाब, इस ट्राइवे स्पोर्ट, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, इस ट्राइवे स्पोर्ट वेन इज स्ट्रेस हाब, और इस हेरे म्यूजिक, ये काफ़ी कॉमन फिनोमिना है, पीपल यूज टू लिसन म्यूजिक, म्यूजिक इस हेरे म्यूजिक
व्हेन इज स्ट्रेस हैव, इसके आगे लिखोगे आप पूरा करोगे व्हेन इज स्ट्रेस हैव इफ आई हैव स्ट्रेस, तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये एकदम सिंपल तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, व्हेन इज स्ट्रेस हैव, ठीक है, वर्ब लास्ट क्योंकि व्हेन है। तो इस तरह भी स्पोर्ट, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, इस शोरे म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, व्हेन इज स्ट्रेस हैव, तो ये सारे आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, इस लेजर्स दी साइटुंग, ठीक है, इच गेस पासियरन आई गो फॉर आई टेक अ वॉक, इच गेस पासियरन, इच पासियरन गेन आपको पता है वॉक पे जाना, इच गेस पासियरन, ठीक है, और इच लेजर दी साइटुंग आई रीड द न्यूज़पेपर, तो ये सब आप लिख सकते हो व्हेन इज स्ट्रेस हैव इफ आई हैव स्ट्रेस। तो ये सारे सॉल्यूशंस है कि वास माखन जी व्हेन जी स्ट्रेस हैवन, व्हाट डू व्हेन यू हैव स्ट्रेस इफ यू हैव स्ट्रेस, तो ये सारे सॉल्यूशंस है। बुक में काफ़ी और सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, अगर आपके पास ये बुक है स्टूडियो डे, जो एक एज ए रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ B1 लेवल के लिए, तो ये एज ए रेफरेंस बुक है। इसी का चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, अल्टाक्स प्रॉब्लम, डे टू डे लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आज हमने देखा स्ट्रेस से रिलेटेड वर्ड्स और स्ट्रेस से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये आज हमने वीडियो में देखा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी तरह से बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए जर्मन क्लास एंड कीप लर्निंग जर्मन। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।